to be educated, but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the new. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the Hall of Shame. I wish I knew. गाइज वेलकम बैक टू द चैनल। क्या हाल है भाई आप सभी के? आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतने दिनों से कहाँ गायब था, मेरा ब्लॉग भी नहीं आया धारी देवी के ब्लॉग के बाद। तो उसकी तो अलग कहानी है जिसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। पर फाइनली गाइज हम लोग एक नई ट्रिप के लिए निकले हुए हैं, और ये नई ट्रिप और कहीं की नहीं बल्कि माता वैष्णो देवी की है। इसके लिए हम लोग काफ़ी टाइम से प्लान कर रहे थे, और ये ट्रिप मैं अकेला और मेरे कुछ ऑफिस के कलीग्स के साथ मैं कर रहा हूँ। पहली यार ये दिन आ गया है कि हम लोग ये ट्रिप करने के लिए निकल पड़े हैं। और अभी गाइस मैं जहाँ पे खड़ा हूँ ये जगह है गाइस कटरा, और ये हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले रीच करा है। मतलब इससे पहले हम लोग दिल्ली टू जम्मू तवी ट्रेन से आए हैं, एंड उसके बाद हमने बस पकड़ के हम लोग कटरा आ गए। तो अभी फाइनली यहाँ से हम लोग अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि माता वैष्णो देवी में गाइस मैं पहली बार आ रहा हूँ माता के दर्शन करने के लिए, तो ये मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा मोमेंट है कह सकते हैं, है ना? क्योंकि यार माता का बुलावा आया है और माता ने बुलाया है, तो ऑब्वियसली बात है हमें जाना तो पड़ेगा ही। बाकी गाइज अभी हम लोगों ने रूम ले लिया है कटरा में, हमें सामान रखना है, नहाना है, एंड उसके बाद हम लोग सीधा चढ़ाई करने के लिए निकल जाएंगे। ठीक है, तो अपन लोग नहा धो के एकदम रेडी हो चुके हैं, और ऑलमोस्ट सारे भाई लोग अपने रेडी हो चुके हैं, सब नहा लिए हैं। अब बस हम लोग का प्लान है सीधा हम लोग वहाँ पे जाएंगे जहाँ पे RFID कार्ड जो होता है वो बटता है। तो फटाफट से वहाँ से वो कार्ड उठाएंगे एंड फटाफट से यात्रा शुरू करते हैं गाइज, और आपको दिखाते हैं यात्रा पूरी कैसे करते हैं और क्या करते हैं, और दिखाऊंगा कि RFID कार्ड वगैरह की प्रोसेस भी क्या होती है अगर मैं दिखा पाया तो। क्योंकि आई थिंक मेरे को जहां तक लगता है बहुत सारी जगह तो फोन अलाउड भी नहीं होगा, तो जितना हो सकता है कोशिश करूंगा दिखाने का। और जहां पे अलाउड नहीं होगा भाई वहां पहले ही बता दूंगा कि अलाउड नहीं है फोन, तो यहां पे नहीं दिखा पाऊंगा, है ना गाइस? तो चलो यार निकलते हैं फटाफट से। तो गाइस यार हम लोग को इस वाली पहाड़ी पे जाना है माता के दर्शन के लिए, तो अभी तो अपन ये पूरी मार्केट है तो यहाँ से निकलेंगे, है ना? ये पूरा एरिया यहाँ से इधर जाएंगे, एंड फिर कार्ड निकाल के, एंड उसके बाद निकलते हैं यहाँ से सीधा वहां माता के दर्शन के लिए। तो ये पूरी ऐसी लाइन है गाइज ये कार्ड के लिए, जहाँ से हम लोग अपना RFID कार्ड उठा सकते हैं, है ना? तो अभी तो पूरा खाली है बिकॉज हम लोग दिन के टाइम पे आए हैं। अगर हम लोग सुबह के टाइम पे आते तो भाई यहाँ पे भीड़ हो सकती है। अभी लाइन में हम लोग खड़े हो चुके हैं और ऑलमोस्ट पूरी लाइन खाली है, ये देखो। तो बिल्कुल सही टाइम पे आए हम लोग, पूरी लाइन खाली है, है ना? अपना कार्ड ले लेंगे अभी एंड फिर आगे की जर्नी कवर करते हैं। तो गाइस सर कार्ड मिल गया, कुछ इस टाइप का कार्ड है ना? और आई थिंक इसमें कुछ सेंसर वेंसर लग रहा जो हमें डिटेक्ट कर लेगा। ठीक है, तो अभी इसको गर्दन में टांग लेंगे और अब आगे के लिए निकल लेंगे। अब पैदल निकलते हैं पहले गेट तक, जो मेन गेट है जहाँ से हम लोग यात्रा चालू करेंगे। और गेट का नाम क्या सनी भाई? गेट का नाम बाड़गंगा। गेट जो मेन गेट आता है भाई, अच्छा उसी वही कहते हैं, उसी को कहते हैं, वहीं से यात्रा चालू होती है। अच्छा, तो बाड़गंगा वाले गेट पे जा रहे हैं, है ना? तो यहाँ से आई थिंक 1.5 किलोमीटर है, तो कोई नहीं पैदल चले जाएंगे। कार्ड तो मिल ही गए हैं तो कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं, है ना? और अब जा रहे हैं अपन लोग, तो चलो बॉयज चलते हैं। और आगे से ऑलरेडी दिखा दिया यार ये तो मैंने, तो चलो गाइस चलते हैं और आगे से दिखाते हैं कि कैसी यात्रा रहती है पूरी। चुका है जहाँ से हमें एंट्री लेनी है माता वैष्णो देवी के लिए आगे बढ़ने के लिए। तो बाकी यहाँ पे भी लाइन लग रखी है, ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा लाइन लग रखी है। तो कोई नहीं, देखते अपना नंबर कब आता है और कब करते हैं। बाकी ये पूरा गेट है, मेन द्वार है जहाँ से एंट्री की जाती है, तो अपन भी एंट्री करते हैं और चलते हैं यार आगे। और ज़ोर से बोलो जय माता की।
तो ये है गाइस बाल गंगा, जिसे बाल गंगा या बाल बाण गंगा भी कहते हैं। यहाँ पे भाई माता ने अपने केश धोए थे, है ना, और हनुमान जी की प्यास लगी हुई थी तो माता ने बाण चलाए थे, तो तब गंगा का उत्पन्न हुआ था यहाँ पे। तो गाइज यार अभी हम लोग एक दुकान पे रुक गए हैं और यहाँ पे स्टिंग ले रहे हैं तीनों के लिए, है ना। मैं और सन्नी भाई तो साथ साथ चल रहे हैं और रहे प्रवीण भाई को थोड़ा सा लोड आ रहा है, पर कोई दिक्कत नहीं, हम उनके लिए वेट कर रहे हैं। एक अच्छे दोस्त होने का पूरा पूरा हक निभा रहे हैं हम लोग, बिल्कुल वेट कर रहे हैं प्रवीण भाई के लिए, जैसे ही वो आएंगे उसके बाद साथ ट्रैक आगे करेंगे। तो अभी तो आई थिंक वो नीचे हैं, आ रहे हैं धीरे धीरे, है ना। वेट करते हैं उनका एंड फिर आगे की जर्नी चालू करते हैं। और बड़े भाई पहुँच गए ऊपर, कोई दिक्कत तो नहीं हुई नीचे, सांस फूल गया भाई का पेट की वजह से। कोई बात नहीं, बैठो अभी थोड़ी देर में चलते हैं आराम से बैठ के। तो गाइस ये है चरण पादुका, जहाँ पे माता ने भैरव बाबा को पीछे मुड़ के देखा था कि वो पीछा कर रहे हैं नहीं कर रहे। और गाइस जिसको नहीं पता कि क्या सीन है तो ये पढ़ लो, पूरा लिखा हुआ है यहाँ पे। तो गाइस यार मैंने और सन्नी भाई ने चरण पादुका के दर्शन कर लिए, अभी प्रवीण भाई रुके हुए थे, हम लोग जूते उतार के अंदर गए थे, तो अब प्रवीण भाई अंदर गए हुए दर्शन करने के लिए, जब तक हम लोग थोड़ा सा बाहर बैठे हुए। और मौसम बिल्कुल चिल है भाई, सामने बिल्कुल मुझे सूरज ढलता हुआ दिख रहा है अभी और बड़ा अच्छा लग रहा है। और क्या ही बताऊँ यार, एक्सप्लेन नहीं कर सकता, मतलब आंखों देखी वाली चीज़ है ना, एक्सप्लेन नहीं की जाती। कैमरे में तो फिर भी दिख जा रहा है थोड़ा बहुत, पर जो आंखों से देखा हुआ है ना वो अलग ही रहता है। बाकी बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा हूँ मैं इस पूरी ट्रिप को, और ये जो पूरा ट्रैक है ऊपर तक मंदिर तक का वो भी बहुत बढ़िया है, मस्त है, और इट्स रियली अमेजिंग एंड ग्रेट। हम लोग चरण पादुका से थोड़ा सा आगे आए थे तो ये पूरा व्यू पॉइंट हमें देखने को मिला है। यहाँ पर पूरी कटरा सिटी है ये, एक सेकंड फोकस हो गई, हाँ। तो अपन बिल्कुल नीचे से आए हैं यहाँ से, अभी यहाँ 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 और अभी अपन यहाँ पे आ चुके हैं, तो सोचो उतने नीचे से आए हैं अपन भाई लोग। और सनसेट बहुत ही प्यारा हो रहा है यहाँ पे और बड़ा सही लग रहा है देखने में, है ना। बाकी तो ये देख लो पूरी सिटी। तो गाइस यार अभी हमने एक शॉर्टकट ले लिया है, सन्नी कह रहा था कि ये जो पूरा रास्ता है सीढ़ी वाला ये हमें जल्दी पहुँचा देगा। दो रास्ते थे, एक नॉर्मली जो सीधा चलता है और एक है सीढ़ी वाला, तो अभी हमने सीढ़ी वाला रास्ता पकड़ लिया। तो गाइज ये नीचे वाली सीढ़ियाँ तो कवर कर ली हमने, अरे यू पीछे वाली रह रही अभी, और इस पर लिखा 360 सीढ़ी अभी हो रहा है ऊपर चढ़ने के लिए, तो अभी वो भी चढ़ेंगे, कवर करते हैं उसे भी। पूरा प्लान है कि रात तक ऊपर पहुँच जाएंगे, तो देखते हैं। कैसी चल रही चढ़ाई?
आगे में। परिन भाई कहाँ रहेगा? परिन भाई पीछे। तो गाइज यार अभी हम लोग जो है अर्धकुमारी के चेक पॉइंट से थोड़ा सा आगे आ गए हैं। ये दिख रहा है पीछे, ये यही है अर्धकुमारी का चेक पॉइंट। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत चेकिंग होती है छोटी मोटी, आपसे चेक करेंगे कि आप कुछ ऐसा वैसा तो नहीं ले जा रहे, और उसके बाद फिर जाने देते हैं। और एक बीटी हो गई यार अपने साथ कि प्रवीण भाई खो चुके हैं, मतलब खो चुके नहीं है, वो थोड़ा सा नीचे बैठ गए थे थक के, तो अभी ऊपर नहीं आ पाए हैं, और पता नहीं ऊपर या तो चले गए होंगे या नहीं गए होंगे। तो अभी मैं और सन्नी भाई वेट ही कर रहे हैं कि चेक पॉइंट के आसपास अगर हमें प्रवीण भाई दिख जाए तो सही है, वरना तो हम अर्धकुमारी में जाके वेट कर रहे हैं फिर प्रवीण भाई का, है ना, कि क्योंकि यार बीच में खड़े रहने से कोई वो नहीं होगा, ऊपर ही दिख जाएंगे सही रहेगा। बाकी तो ऐसा कुछ है, यहाँ पे चेक पॉइंट ये रहा, यहाँ पे भाई चेक वैक करते हैं आपको, उसके बाद आप ये जो पीछे वाला रास्ता दिख रहा है यहाँ से ऊपर के लिए अर्धकुमारी के लिए फिर से चढ़ाई कर सकते हो अपना आराम से, है ना। बाकी अभी तक का ट्रैक हमारा बहुत ही सही रहा है, कोई दिक्कत नहीं आई। पूरा सिस्टम अर्धकुमारी का, यहाँ पीछे बहुत सारे भवन हैं और धर्मशाला वगैरह भी है। बाकी सन्नी भाई यहाँ से टिकट ले रहा है अर्धकुमारी की, कि अगर हमारा नंबर अच्छा सही टाइम पे आ गया तो अर्धकुमारी के दर्शन भी होके करके चले जाएंगे अपन लोग। और सही टाइम पे हम लोग यार पहुँच चुके हैं यहाँ पे, और व्यू बहुत अच्छा है एकदम, लाइट लाइट हर जगह आपको लाइट मिलेगी, लाइट की कोई कमी नहीं है। और हर जगह पे भाई छोटी छोटी जो दुकानें होती है, जैसे केमिस्ट हो गया, या आपको कुछ खाना पीना है या जो भी रिलेटेड चीज़ें लेनी है, सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। तो कोई वैसे भी दिक्कत नहीं होने वाली है कि अगर कोई वैसे आ रहा है ना बिना कोई चीज़ें लिए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बस अपने साथ थोड़ा बहुत गर्म कपड़े ले आना सर्दियों में आ रहे हो तो, बाकी कोई टेंशन नहीं है भाई, हम तो फुल चिल करते हुए आ रहे हैं। मुझे तो भाई बहुत सही लगा, मैं तो मतलब ये कह रहा हूँ वर्थित है मेरा ट्रैक यहाँ पे, जितना भी मैंने चला है, चढ़ा हूँ जितना भी मैं, पूरा वर्थित है भाई मेरे लिए। और अभी और चढ़ना है, और पूरा जोश है भाई कि पूरा चढ़ना है ऊपर तक, है ना। बाकी लाइटिंग यहाँ से दिख ही रही है हल्की हल्की, कोशिश कर रहा हूँ यार ज़्यादा से ज़्यादा रिकॉर्ड करूँ, पर जितना हो पा रहा है उतना ही कर रहा हूँ। और मैं ये सोच रहा हूँ कि ये वीडियो यहीं तक रखते हैं, है ना, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा बन जाएगा, तो अर्धकुमारी से आगे का एक अलग से पार्ट बनाएंगे, पार्ट टू करके, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, इतना ही रखते हैं। और वीडियो अगर पसंद आ गई हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना भाई, जय माता दी तो जरूर लिख देना कमेंट में, ठीक है गाइस। तो चलो मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा।